नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। दिन है सोमवार, तारीख 27 सितंबर और वक्त है करीब 4 बजे का। किसानों का बंद था, भारत बंद था और सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज यही इस वक्त तक की बड़ी खबर है कि कैसा रहा भारत बंद। कल हमने बात की थी कि भारत बंद को लेकर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, क्या आप समर्थन करेंगे, तो क्या आपने समर्थन किया, क्या कामयाब रहा भारत बंद। भारत बंद की वजह से होने वाली दिक्कतें भी सामने आई हैं, तो वहीं किसानों का उदार चेहरा भी नजर आया। कहीं पर लोग जाम में फंसे तो कहीं एम्बुलेंस को निकालते हुए भी नजर आए किसान। क्या किसानों के शक्ति प्रदर्शन से रद्द होंगे कृषि कानून, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और भारत बंद से क्या आपको भी उठानी पड़ी कोई परेशानी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपने क्या महसूस किया, आपने किस तरह से इस भारत बंद को देखा, जो भी आपके जहन में है, क्या कामयाब रहा भारत बंद, भारत बंद से क्या केंद्र सरकार पर बनेगा दबाव, जनता परेशान होगी तभी हल निकलेगा, बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो भी आपके जहन में है, कैसा रहा भारत बंद, क्या आपने समर्थन किया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं, लोग बैठे हुए हैं किसानों के समर्थन में, झंडे लेकर बैठे हुए हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पर किसान, सड़कों पर किसान, लोग जाम में फंसे वो भी परेशानी, तो वहीं किसानों की तरफ से जाम खुलवाने की तस्वीरें भी अब शायद नजर आएंगी। व्यवस्थाएं की गई थी, पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन सवाल यही कि कैसा रहा भारत बंद। 4 बज चुके हैं और 4 बजे तक की कॉल थी भारत बंद की, और अब ये देखिए इस तरह से ट्रेन भी रोकी गई थी। तो इस बंद को आप किस तरह से देखते हैं, कामयाब मानते हैं, मिला जुला असर मानते हैं, या फिर कोई कामयाबी इस बंद की आप नहीं मानते हैं। लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो आप इस वक्त खबर अभी तक के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और दीजिए, बताइए कि किस तरह से आपने भारत बंद को देखा, क्या आपके यहां पर भारत बंद का असर नजर आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां तो असर नहीं नजर आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां तो पूरा बंद था, तो आपने क्या महसूस किया, आप जुड़िए हमारे साथ। और आज के भारत बंद को किस तरह से देखा जाए, कामयाब माना जाए, नाकामयाब माना जाए, मिला जुला असर माना जाए। चंद्र प्रकाश जी हमारे पहले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे जी जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में, क्या है आपकी राय। मेरी राय यह है कि ये जो बैठे ऐसी बकवाद कर रहे किसान को, मैं खुद एक किसान हूँ। अच्छा, ये आठ क्यों कर रही कांग्रेस का दलाल है। अच्छा, ये गवर्नमेंट कंट्री है, इनके कोई मारे आम आदमी परेशान हो रहा है, कोई बीमार जा नहीं सके, बात बंद करके मतलब हुआ है, जो कोई ड्यूटी पर नहीं जा सकता। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गुरदीप जी सिरसा से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका गुरदीप जी, क्या कहेंगे। भारत बंद का जो है मानते हैं कि इसका बहुत मतलब बहुत सारी जो सिटीजन्स है, जनता है, आने जाने में दिक्कत जरूर आई है इसमें, लेकिन इसका जो भारत बंद का मेन रीजन है, जो रीजन तो है वो 3 काले कानून है ना जी, तो इसका इनडायरेक्टली हम देखे तो सेंटर की इनकी ये कानूनों का ही कारण है ये भारत बंद हुआ है। जो तो हम ये कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं क्या सभी लोग जो 80% के करीब हम गांव में लोग रहते हैं, चलो शहरों वालों से हम सॉरी कहते हैं, माफी मांगते हैं सर, लेकिन इसका जो बंद का ऐलान करना और अल्टरनेट नहीं था कोई, एक बार बंद करने से थोड़ी चूड़े तो हिली है इनकी, सेंटर की कह लो जो भी, ठीक है सर, अपना। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, लगातार लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और आप साथ साथ इस प्रोग्राम को
अपने सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। टीवी पर आप देख रहे हैं, इसके अलावा आप मोबाइल पर फेसबुक अगर यूज़ करते हैं, यूट्यूब अगर यूज़ करते हैं, फेसबुक पर अगर यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर भी डायरेक्ट इसको देख सकते हैं और साथ साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, जो आपके आप अपनी राय दूसरे लोगों तक भी टीवी के जरिए तो पहुँच रहे हैं, लेकिन अपने और भी जो साथी हैं उन तक अपना अपनी बात आप पहुँचाना चाहते हैं। तो खबरें अभी तक लिखें फेसबुक पर और जुड़ जाइए आप। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शिव कुमार जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका शिव कुमार जी। शिव कुमार जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? हाँ जी जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी, ये बार बार जो बार बार भारत बंद होने से जी ये आम जनता का तो परेशानी हो रही है, ड्यूटी वाले को होती है परेशानी जी, तो इससे किसानों को क्या क्या लाभ होगा? इससे नुकसान ही कर रहे हैं आम जनता का। अच्छा, देश का भी नुकसान है आने जाने वाले का। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश का नुकसान है, लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जरूरी था, परेशान लोग हो रहे हैं उसके लिए वो माफी मांग रहे थे, अभी कुछ जुड़े हुए थे, कुछ कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, अलग अलग सबकी राय। कैप्टन जसपाल जी हमारे नियमित दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। नासिर भाई नमस्कार। नमस्कार कैप्टन जी, ये बंद रहा जैसे मैंने 24 तारीख को भी आपके प्रोग्राम पे से बहुत कामयाब रहा इस बार जी, और सरकार पे असर पड़ेगा क्योंकि 372 लोकसभा के हल्कों में किसानों का बोलबाला है। और जहां तक जनता का सवाल है, जनता एक बार इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करके इनके पास जाए और परेशानी की चिंता ना करे, क्योंकि इनकी नस्ल और फसल का सवाल। अजाब रही बात के असर क्या होता है, इसकी दो ईंटें गिर गई हैं। यशपाल गवर्नर जी, उसने कहा कि संवैधानिक पद पर हूं पर किसानों के साथ गलत हुआ। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिसने अपने मुख्यमंत्री पद के लिए कभी ऐसा नहीं किया, ठीक है सर, वो इनेलो के फंक्शन में जाकर कहने लगे कि मैं अभी भी बीजेपी में हूँ। शुक्रिया सर, लेकिन जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ जी, शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं फतेहाबाद से, शैम्पी जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कहिए सर। ये हम छोटे छोटे दुकानदार हैं सर, ऐसे बंद रहता है, बार बार बंद होता है, बार बार बंद होता है, आम दुकानदार को बहुत परेशानी होती है सर। शैम्पी जी, जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ सर, ऐसे बार बार बंद होने से सर बहुत परेशानी होती है आम दुकानदारों को, छोटे छोटे दुकानदार हैं सर, हम रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं सर, क्या करें बताऊँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो शंटी जी का कहना है कि दिक्कत होती है भारत बंद से, परेशानी होती है, जो छोटे दुकानदार हैं, मजदूर हैं, उनको ज्यादा परेशानी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ परेशानी तो होती है लेकिन ये जरूरी है, आखिर किसान करें तो क्या करें। आपकी क्या राय है, क्या भारत बंद कामयाब रहा या नाकाम, या नाकाम रहा या फिर मिला जुला असर रहा? क्या आपने समर्थन किया भारत बंद का या फिर आपको परेशानी उठानी पड़ी? बलबीर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलबीर जी। हाँ जी बलबीर जी, आप जुड़ चुके कार्यक्रम सर। हाँ सर जी, जी जी बोल। मैं समर्थन कर रहा हूँ ना मैं विरोध कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको जी, आप पढ़े लिखे हैं, ये डेमोक्रेसी का नजायज फायदा है। 70 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया डेमोक्रेसी के नाम पर इन लोगों ने। ये ऐसे बहादुर कौन थे 200 साल पहले जिसे राजा के प्रति विद्रोह किया इन्होंने? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक प्रेम जी हमारे साथ हैं और आप भी जुड़िए, अपनी बात रखिए कि आप किस तरह से देखते हैं किसानों के इस प्रदर्शन को, भारत बंद के इस ऐलान को, क्या कामयाब रहा भारत बंद? प्रेम साहब जुड़ चुके हमारे साथ, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये भारत बंद कब कब होता है? जो आदमी बोल रहे हैं कि बार बार बंद होने से हमको नुकसान हो रहा है, कारोबार 2-2.5 साल से तो किसी के पास है नहीं, दुकानें खोलने के डर से वो जा नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी 50% रेस्टोरेंट में लगा रखा है, 20% वहाँ लगा रखा है, 10% वहाँ, स्कूल कॉलेज बंद पड़ी है। तो सर ये जो बोलते हैं बीच में कि हमको नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? बेरोजगार लोग जो घूम रहे हैं उनको क्या नुकसान है पहले ये बताएं सर। उसके बाद में 10-20% जनता जो है वो रिटायर्ड है, 10-20% जो बच्चे हैं वो अलग है, तो सर कितने आदमियों को नुकसान हो रहा है सर? अगर अपने भाई भाई का साथ नहीं देगा इस समय जब गवर्नमेंट निरंकुश हो जाती है, जो एकदम डिक्टेटरशिप कर रहे हैं लोग, जो किसान 10 महीने से वहां बैठे हैं उनका कोई देखभाल नहीं कर रहा है, और जो सारी दुनिया में बात उड़ रही है कि इतनी ताकतवर सरकार है वो इन किसानों का नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या राज है, तो सारी दुनिया में फैल गई ना ये बात,
तो मोदी साहब क्यों नहीं समझ रहे सर? 8,000-10,000 करोड़ की प्लेन में घूमने अमेरिका चले गए खाली सर, ये अच्छी बात थोड़ी है 8,000-10,000 करोड़ की प्लेन दिखाने के लिए। शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में, एक ऐसा मौका कि आप अपनी राय रखें फोन कॉल के जरिए, लाइव सब देखें उसको, ये शायद कहीं और नहीं होगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। राजपाल जी स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में आप। राजपाल जी, हेलो जी, राजपाल जी नमस्कार, कहिए। रोहतक का बंद असर अच्छा रहा, आज परेशानी तो हुई लेकिन ये भी जरूरी है किसानों के लिए सर। तो राजपाल जी कह रहे हैं कि देखिए जी बंद तो अच्छा रहा, परेशानी तो हुई लेकिन ये जरूरी था, तो आपको क्या लगता है, जरूरी लगता है इस तरह का प्रदर्शन या फिर गैर जरूरी लगता है? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कुलदीप जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। कुलदीप जी नमस्कार जी, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो किसानों का प्रदर्शन है बिल्कुल जायज है और इन्होंने अपनी मांग रखने के लिए भारत बंद किया। भारत बंद का जो असर जो सारे हिंदुस्तान देखने मिल रहा था कि सुनने में आ रहा था टीवी क्लिपिंग आपके चैनल द्वारा, और धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कुलदीप साहब, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्या आपने भारत बंद का समर्थन किया? क्या आपको परेशानी उठानी पड़ी? कैसा रहा भारत बंद, कामयाब नाकाम मिला जुला असर रहा? जो भी आपके जहन में है जनता बताएगी, जनता जो कहती है वो सही है। सूरज भान जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सूरज भान जी, कहिए। जितना प्रयास किया किसानों ने किया है वो उतना तो लगभग सफल ही रहा है। वैसे ये सरकार भी किसी आंदोलन का बोलते रहिए सूरज भान जी, टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। जी जी, आंदोलन के प्रति ये संवेदनशील नहीं है जी सरकार। आजादी का आंदोलन था तभी ये बागी थे, उनको नफरत थी आजादी का आंदोलन से भी, अब ये किसान आंदोलन है सर, इसके प्रति भी ये संवेदनशील नहीं है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विवेक बंसल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। विवेक जी क्या कहेंगे कैथल से? विवेक बंसल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। विवेक बंसल साहब शुक्रिया, आपने कोशिश की, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप फिर से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। एक और दर्शक है हमारे साथ, पूनम जी हैं अंबाला से, स्वागत है आपका। पूनम जी क्या कहेंगी? पहले तो मुझे ये अवसर आपने दिया, धन्यवाद करती हूँ, और ये बहुत जरूरी है जी मैम। और किसी को भी ऐसा शौक नहीं है कि वो साल भर के लिए रोड पे बैठे जी। अगर हमारे किसान भाई बैठे हैं तो ये देश लोकतांत्रिक है और एकता का प्रदर्शन अगर वो कर रहे हैं तो सरकार को इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जी जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। और लगातार कॉल आ रहे हैं लोगों के। अनवर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अनवर जी नालागढ़ से। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। बहुत सर परेशानी तो हुई है थोड़ी जी, लेकिन हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कोई ज्यादा इस तरह का वो नहीं हुआ, बल्कि बॉर्डर एरियों की बात करें, बॉर्डर एरिया काफी ज्यादा प्रभावित थे हमारे। अच्छा, अगर हम यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ आएंगे तो चंडीगढ़ को वहाँ पे बद्दी के पास एक बैरियर पड़ता है जी, वहाँ पे उन्होंने काफी देर बंद रखा था, सुबह 9 बजे से लेके 10-11 बजे तक। ठीक है, लेकिन हिमाचल की बात है सर, हिमाचल में ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं था, हिमाचल में सब कुछ इजली मूवमेंट थी सब। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, किशोर जी हमारे साथ हैं, जिनसे स्वागत है आपका। किशोर जी क्या कहें? किशोर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी, हाँ जी, किशोर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। किशोर जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, कट गया फोन। किशोर जी जब भी आप कॉल करें तो टीवी की आवाज पर ध्यान मत दिया करें, टीवी मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जब हम बात करते हैं फोन पर आपकी और हमारी आवाज आती है तो टीवी तक वो पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, कुछ सेकंड्स का, तो आप टीवी की आवाज के चक्कर में न पड़े, अपनी बात शुरू कर दें। और एक और बात कि आप इस कार्यक्रम को बाद में भी लगातार देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, खबर अभी तक के पेज पर जाकर लाइव प्रोग्राम चल रहा है वहां पर भी, टीवी पर तो आप देख रहे हैं, फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं और उसको बाद में आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने और दूसरे लोगों तक भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। बाबूलाल जी स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में।
हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार बाबूलाल जी, कहिए। मैं सोहना गुड़गावां से बोल रहा हूँ। भारत बंद का पूरा असर है जी, अरे मजदूर किसान कर्मचारी सब के लिए फायदेमंद है जी। हाँ जी, तो भारत बंद से ही समस्या, जो काले कानून है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे नकेल लगने की उम्मीद है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कैसा रहा भारत बंद, क्या आपने समर्थन किया, क्या आपको परेशानी उठानी पड़ी, आपने किस तरह से इस भारत बंद को देखा है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राजीव जी हैं हरिद्वार से, स्वागत है आपका राजीव जी। राजीव जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। मैं बोल रहा हूँ, ये किसानों ने जो अपना विरोध प्रदर्शन किया है, मैं इसे समर्थन करता हूँ। अच्छा, पूरे दिल से करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे किसान भाई है, अगर सरकार इनके नहीं सुन रही है तो क्या करेंगे बेचारे, 10-12 महीने से बैठे हुए हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और जब शासन सरकार नहीं सुनती है और तब आदमी को मजबूरन इस तरह का काम करना पड़ता है। मैं इनके साथ पूरी तरह समर्थन हूँ। मैं चाहता हूँ सरकार इस पर ध्यान दे और इन्हें इन्हें जो ये चाह रहे हैं, जो भी है, इनका समर्थन करें। जो हमें थोड़ा सा भले परेशानी हुई है, उसमें उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने लिए जिए, अपने काम के लिए जिए, तो ठीक नहीं होगा। ये पूरा देश हमारा है, पूरा राष्ट्र हमारा, पूरा भारत हमारा है। इसलिए ये लोग भी बेचारे सही है, ये जबरदस्ती नहीं बैठे हैं, इनकी भी कुछ मांगे हैं। और आने वाले समय में कहीं ये बहुत बड़ा बवाल ना बन जाए, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो बाद में कहीं ऐसा कुछ ना हो कि हमने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, इस चीजों को रोका जा सकता था। तो इस पर ध्यान दें, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ इनका, और पूरे देश के युवा इन लोगों के साथ में है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश और नंबर्स। विवेक बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। विवेक बंसल जी क्या कहेंगे? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार विवेक सर, किसान आंदोलन देखो, अब किसान 10 महीने से सड़कों पर रहते हैं, अभी इनकी सुनवाई होनी चाहिए सर। देखो मौसम की मार में भी किसान आ चुका है, और इस टाइम फसल के दाम चाहे कुछ भी हो जाए, सर क्वालिटी फसल की बिल्कुल भी नहीं रही है। इतनी बारिश पड़ी है, किसान को मुआवजा भी मिलना चाहिए सर, उनकी मांगे आज के दिन पूरी करनी चाहिए। पूरा देश कोरोना पीरियड से घूम रहा है जी, घूम रहा है सर। कोरोना के 3 महीने पहले जो स्थिति थी, आज पूरा देश उससे मतलब हिल चुका है। सारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है सर, बिल्कुल लोगों के काम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, सेविंग खत्म हो गई है लोगों की। इसलिए सरकार को चाहिए इस टाइम पीरियड में इस मुद्दे को बंद करके। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े विवेक जी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, निर्मल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। निर्मल जी, निर्मल जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए। हाँ जी आ रही है जी। जी कहिए। ये आज जो फॉरवर्ड बंद किया है इसके बारे में जी, एक किसानों ने जो बंद किया है बहुत ही बढ़िया हुआ है। इधर सरकार को कुछ ना कुछ तो दबाव पड़ेगा ही। अच्छा, शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, नेगी जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, हिमाचल के सरकार राजमंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। कहिए नेगी सर, हिमाचल में मतलब अगर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ बंद हो जाए तो हमारा तो हिमाचल वैसे ही 3 दिन तक इसका असर रहता है, और मोर ओवर यहाँ पर तो जिस दिन कोई बंद होता है उस दिन लोग खुद ही घरों से नहीं निकलते। ये ठीक है कि सड़कें जाम नहीं करते, लेकिन काम काज तो कुछ लोगों के पास है नहीं। और ये तो कुदरती भारत बंद की दिल से सपोर्ट कर रहे हैं हर व्यक्ति, हर बागवान, हर किसान, हर मजदूर, क्योंकि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और किसानों के साथ खड़ा होना इस वक्त निहायत लाजमी है सर। क्योंकि अन्नदाता इनको याद आता है सिर्फ वोटों के टाइम पे, और इन कुंभकर्णों को नींद से जगाने के लिए यही एकमात्र तरीका था जी। जय हिंद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं आज के सवाल पर, राजकुमार जी बहादुरगढ़ से स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी, हमें एक दिन में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि हमारा अन्नदाता 300 दिन से परेशान है, तो हमारे को एक दिन की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमेशा समर्थन करते हैं संतर, और किया है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी जी राजेश, हाँ जी सरकार, हाँ जी सर जी, सरकार को चाहिए यदि ये कृषि कानून सही है तो सभी न्यूज चैनलों पर इसको एक्सप्लेन करें, और
जिम्मेदारों को सही तरह समझाएं। अगर नहीं ये कानून सही है तो सरकार इन कानूनों को दोबारा संसद में चर्चा करे, फिर इसको देश पे लागू करे। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। उमा जी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका। उमा जी क्या कहें? जी मेरा कहना है कि जो भारत बंद है ये का समर्थन करते हैं, और मोदी जी से हमारी हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचा दीजिए कि आप हर हफ्ते जो अपने मन हम तक पहुंचाते हैं, कृपया ये जो हमारे अन्नदाता हैं इनकी मन की बात भी सुन लीजिए, है ना। जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके 10-12 महीने से रास्ते में बैठे हैं, वो किसके लिए बैठे हैं? हमारे लिए बैठे हैं, उनका भी परिवार होगा। मोदी जी से कृपया करके ये कि आप जनता कानून मत इन पर लागू कीजिए और इनकी बात सुनिए जिन्होंने देश को चलाना है। आप देश नहीं चला रहे हैं, चला तो ये रहे हैं जिन्होंने जो अन्न पैदा करके हम लोगों को जीवन देते हैं, है ना। तो कृपया ये मोदी जी तक ये बात पहुँचा दीजिए। हमारे साथ जुड़ी और पहुंच जाए आपकी बात, पहुंचती तो है जरूर, कहीं ना कहीं पहुंचती है, और सब सबकी मन की बात सुने तो सच्ची बात क्या हो सकती है। कल्पना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूं कि कृषि मंत्री ने भी जनता से अपील की है या किसानों से अपील की है कि बातचीत के लिए सभी रास्ते खुले हैं, लेकिन मुझे बताइए लेफ्ट कांग्रेस की पार्टी इसको क्यों बढ़ावा दे रही है? ये राजनीतिक बंद ज्यादा लग रहा है और किसानों का बंद कम लग रहा है, और बेअसर रहा है ये भारत के कुछ जगहों पर। और जो वो ये वही लेफ्ट है, जब हमारे और दंतेवाड़ा में हमारे सिपाही मरते हैं तो ये खुशियां मनाते हैं जी। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है तो ये जनता सब समझ रही है। ठीक है, ये किसानों का बंद नहीं है, ये राजनीतिक बंद है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। वक्त थोड़ा सा रह गया है, आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ, सतविंदर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सतविंदर जी क्या कहेंगे? सर ऐसा जो आज इन्होंने बंद का ऐलान किया था हिमाचल में, इसका कुछ ज्यादा असर नहीं देखा गया। हाँ बॉर्डर के ऊपर काफी असर देखा गया, बाकी मार्केट कहीं कहीं बंद थी कहीं की खुली थी, मगर जो प्रभाव इनका पंजाब में देखा, मगर हिमाचल में इसका कुछ बिल्कुल भी असर नहीं देखा गया सर। ठीक है सर, शुक्रिया। परेशानी हुई तो है, नहीं हुई है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। हिमाचल के लोग कह रहे हैं कि वहां इतना असर नहीं आया, लेकिन हाँ बॉर्डर एरियाज पर ज्यादा असर नजर आया। हिमांशु महाराष्ट्र से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हिमांशु जी क्या कहेंगे? जी हिमांशु जी कहिए। अशोक वडरकर बात कर रहे हैं जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ पूरी तरह बेअसर हो गया है। अच्छा शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब वक्त इतना नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत से लोगों ने कहा कि कामयाब रहा है पूरी तरह से भारत बंद, कुछ ने कहा कि हमारी तरफ तो असर नहीं देखने को मिला, कुछ ने कहा कि परेशानी हुई है और इस तरह से बंद का कोई फायदा नहीं, कुछ ने कहा कि परेशानी तो हुई है लेकिन ये ज़रूरी भी था क्योंकि हम भी परेशान हो रहे हैं, किसान भी परेशान हो रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा किसने कितना समर्थन किया है, वो आप फैसला खुद कीजिएगा कि कितने लोग पक्ष में बोले, कितने लोग इसके खिलाफ बोले हैं, कितने लोगों ने समर्थन किया, कितनों ने विरोध किया। 23-24 मिनट का ये प्रोग्राम था, इसमें बहुत सारे कॉल्स आए तो उससे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। कई बार लोग इसी तरह से सर्वे करते हैं तो ये तो डायरेक्ट सर्वे है, किसका कॉल आ रहा है, कौन कर रहा है, पता भी नहीं होता, डायरेक्ट आपके कॉल लगते हैं। तो आप इसको फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और अपना भी जो आपने बात बोले उस क्लिप को निकाल कर भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।